अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द टाइम्स ऑफ रियल स्टेट विद मारिया खान। और आज हमारे साथ मौजूद हैं अमारा डॉट कॉम के रियल स्टेट कंसल्टेंट वकास, और जिनसे हम आज लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वकास, आप हमें लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में एक ओवरव्यू दें, वो सारी डिटेल्स जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। जी श्योर। एज यू नो कि इस वक्त जो सबसे मेन इशू है वो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है। सो इस ग्लोबल इशू को सॉल्व करने के लिए हर जगह पे जो सॉल्यूशन यूज़ किया जा रहा है वो स्मार्ट लिविंग का है। सो पाकिस्तान में भी इस इशू को कवर करते हुए पाकिस्तान की लीडिंग डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन फर्म है हबीब रफीक लिमिटेड, HRL के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराते हुए इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पाकिस्तान के पहले स्मार्ट सिटी की बुनियाद रखी, विच इज़ नोन एज कैपिटल स्मार्ट सिटी। कैपिटल स्मार्ट सिटी बेसिकली 55,000 कनाल प्लस एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसकी डेवलपमेंट अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई फास्ट पेस पे चल रही है। सो कैपिटल स्मार्ट सिटी के इंतहाई पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बाद HRL ने डिसाइड किया कि इस चेन को बढ़ाते हुए जिंदा दिलाने लाहौर के लिए एक लग्जरी और स्मार्ट हाउसिंग सोसाइटी का इंट्रोड्यूस कराया जाए। सो HRL की जानिब से लाहौर ईस्टर्न बाईपास के पास काला शाह काकू इंटरचेंज से 2 मिनट्स की ड्राइव पे M2 और M11 मोटरवे के वस्त में इन्होंने लाहौर स्मार्ट सिटी, जो कि लाहौर की पहली स्मार्ट सिटी है, उसको इंट्रोड्यूस कराया है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसको NOC भी ऑफर कर दिया गया है LDA की तरफ से, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। सो इंशाल्लाह विद इन सम वीक्स आप देखेंगे कि उसका डेवलपमेंट वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। लेकिन NOC से रिलेटेड लाहौर स्मार्ट सिटी के बहुत ज्यादा रूमर्स फैले हुए हैं, डिफरेंट चैनल्स पे डिफरेंट किस्म की न्यूज आ रही हैं, तो आप इसके बारे में बताएं कि व्यूअर्स को कि ये क्या है। देखिए, एज अ रूल NOC का जो मकसद होता है वो बहुत सारी चीजों को क्लियर कर देता है। बहुत सारे कंसर्न होते हैं हमारे क्लाइंट्स के, इन्वेस्टर्स के, जो इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सारी चीजें देखना चाहते हैं। तो NOC का हसूल जो है वो तमाम चीजें, वो तमाम जो उनकी कंफ्यूजन होती हैं उनको क्लियर कर देता है, जिसमें टॉप ऑफ द लाइन के लैंड एक्वायर कर ली गई है कि नहीं, जो लैंड आपके पास है उस पर कब्जा वगैरह तो नहीं किया आपने, वो लीगल है। देन NOC का मतलब होता है कि जो अथॉरिटी है वो इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रही है कि आफ्टर डेवलपमेंट जब आपको पोजीशन दिया जाएगा तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस की प्रोविजन जो है वो एक्सेसिबल होगी, वो इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरह के तमाम मामला जो हैं ये NOC के प्रोविजन से क्लियर हो जाते हैं। तो जब ये तमाम चीज़ें, तमाम डॉक्यूमेंट्स क्लियर हों तो NOC के लेट होने का कोई जवाब पैदा नहीं होता। एंड सेकेंड बेस्ट थिंग इज वन विंडो ऑपरेशन या फास्ट ट्रैक सिस्टम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आपके सोसाइटी के प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो विद इन डेडिकेटेड टाइम पीरियड आपको NOC इशू कर दी जाएगी। और सेम केस है अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर स्मार्ट सिटी को विद इन टाइम NOC प्रोवाइड कर दिए गए। अच्छा वकास, हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, आप मुझे अब ये बताएं कि स्मार्ट सिटी है क्या और ये नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टाइल से इसमें क्या अलग है और ये किस तरीके से लोगों की लाइफ पे अपना इम्पैक्ट डालता है। एक्जेक्टली, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बेसिकली स्मार्ट सिटी एक अर्बन एरिया होता है जो कि आपकी डेली लाइफ को मजीद बेहतर और लग्जरी लाइफ को प्रोवाइड करता है। इसके लिए आपके प्रोजेक्ट में, सिटी में डिफरेंट डिजिटल डिवाइसेस और सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो आपकी सेंसर बेस्ड होती हैं, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट का आपको कंप्लीट प्लान प्रोवाइड किया जाता है, एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट, ये तमाम चीज़ें एक स्मार्ट सिटी में डेली लाइफ में प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि वहाँ के रेजिडेंट्स की डेली लाइफ को बहुत इम्प्रूव कर देती हैं। जैसे कि आपने बताया कि लाहौर और इस्लामाबाद में HRL जो है वो स्मार्ट सिटी को डेवलप कर रहा है, तो आप मुझे ये बताएं कि HRL की एज अ डेवलपर क्या क्रेडिबिलिटी है। हाँ, मींस यू आर आस्किंग अबाउट पोर्टफोलियो ऑफ HRL। वैसे तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत पुराना काम कर रहे हैं, बहरिया, DHA इन्होंने डेवलप किए हैं, पावर सेक्टर में इन्होंने बहुत काम किया है, डैम्स बनाए हैं, लेकिन मैं ये सारी लिस्ट बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं टू द पॉइंट इनके प्रोजेक्ट्स की बात कर लेता हूँ। इससे पहले इन पास्ट फ्यू ईयर्स इन्होंने अपने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं रॉयल ऑर्चर्ड मुल्तान, रॉयल ऑर्चर्ड साहिबाल और रॉयल ऑर्चर्ड सरगोधा, और उसके अलावा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कैपिटल स्मार्ट सिटी, जिसकी डेवलपमेंट अपडेट्स हम अपने व्यूवर्स से हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू ड्रोन फुटेजेस में अपडेट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह NOC के हसूल के बाद आप देखेंगे विद इन वीक्स
लाहौर स्मार्ट सिटी का काम भी जल्द इंतहाई पॉज स्पेस पे स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट द डिजाइनिंग एंड प्लानिंग ऑफ लाहौर स्मार्ट सिटी। बेसिकली लाहौर स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान सुर्बाना जुरोंग, जो कि सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, उन्होंने डिजाइन किया है। इससे पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान भी सुर्बाना जुरोंग ने डिजाइन किया है, क्योंकि जो दुनिया का पहला स्मार्ट सिटी बना था सिंगापुर, उसका डिजाइन भी कंप्लीट मास्टर प्लान सुर्बाना जुरोंग ने ही डिजाइन किया था। So, what are the available options and prices in Lahore Smart City? Lahore Smart City की मैनेजमेंट ने pre-launch में 5 मरला, 10 मरला और 20 मरला के प्लॉट्स लॉन्च किए हैं, जिनकी प्राइसेस 18 लाख से स्टार्ट हो रही हैं। अपडेटेड पेमेंट प्लान आप 24/7 हमारी वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। 24/7 लाइव चैट अवेलेबल है। अगर आप कंसल्ट करना चाहें तो हम आपको तमाम इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह लाइव चैट के थ्रू प्रोवाइड कर देंगे। तो बुकिंग प्रोसीजर क्या है? एप्लीकेंट के आईडी कार्ड की फ्रंट बैक कॉपी चाहिए होती है, नॉमिनी के आईडी कार्ड की फ्रंट बैक, देन एप्लीकेंट के पासपोर्ट साइज 2 पिक्चर चाहिए होती हैं। देन आपकी जो भी पेमेंट है वो आपने डेवलपर के अकाउंट में भेजनी है, ट्रांसफर करनी है, और जो आपकी पेमेंट स्लिप होगी वो आप हमसे शेयर कर दें, हम आपका बुकिंग फॉर्म कंप्लीट करके आपकी बुकिंग सबमिट कर देंगे। बुकिंग के बाद बात आती है आफ्टर सेल सर्विसेज की, जिसमें आपकी रिसिप्ट बनाना, आपके डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करना, आपकी पेमेंट क्लियर क्लेरिफिकेशन वगैरह कराना, ये सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और इंशाल्लाह हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से पूरी करेंगे। आपको हमारे क्लाइंट्स को कभी भी कोई गिला करने का मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू वकास हमें टाइम देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक न्यू टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। amanat.com पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।